हाँ जी, खाना पीना, खाना पीना दे। स्लो चलाएं, स्लो चलाएं। अच्छा जी, ये है जी वो पेट्रोल पंप जिसका बड़ा रौला है, ठीक है, कि ये जो है ना टूरिस्ट को फ्री में तेल देता है। देख रहे हैं ये लाइनें, देख रहे हैं, लेकिन ये फिर टूरिस्ट तो नहीं है, ये तो बिजनेस ट्रक है ना, तो ये लोग जो है ना फ्री तेल देते हैं और हम लोग आए हैं यहाँ पे ये फाइंड आउट करने कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। चलें देख। जी फ्री से तेल पहुंचो। जी जी फ्री तेल जी, और बड़ी इज्जत रिस्पेक्ट जनाब, बड़ी वेलकम द टोटल डीजल फ्री जनाब। चलो वहां फिर तेल पाओ। अच्छा जी, मुझे लगा आपको ये पंप दिखाना चाहिए, मैं आप लोगों ने थोड़ा सा ना राइट लेफ्ट से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। वो बाहर मेन रोड है जो आगे मीर जावा वाली साइड पे भी जाती है और दहदान की तरफ भी जाती है। ट्रकों की आप यहां पे लाइनें देखें, वो दूर तक वो देखें पीछे सर, ये सारी ट्रकों की लगी हुई हैं लाइनें जो यहाँ से आती हैं, तेल डलवाती हैं। इतना ये बिजी पंप है क्योंकि ये वैसे भी सिटी से बाहर है और आगे मेन रोड मेन बॉर्डर की तरफ जाता है, तो इस वजह से ना यहाँ पे बड़ा रश होता है बहुत ज़बरदस्त किस्म का। लेकिन अगर आप आएँ तो ट्रकों के पीछे प्लीज़ लाइन मत लगाइएगा, इसके साथ में वहाँ पर एक लाइन लगी होती है कारों की जो कि पेट्रोल डलवाने के लिए आती हैं। आप उस लाइन में आएँ तो आगे आके ना तो बिल्कुल ये लास्ट पंप की तरफ जो है ना ट्रक मोड़ने के बजाय आप लोग वहाँ पे बेशक गाड़ी खड़ी करके किसी को भी यहाँ पे आपको बेताशा पाकिस्तानी लोग मिलेंगे, ठीक है। किसी को भी बोले यार हम लोग टूरिस्ट हैं, हमारा बॉर्डर लेट हो जाना है, हमारा बॉर्डर जो है ना वो वहाँ से हमने हो जाना है लेट, आप लोग यहाँ पे हमें तेल दे दें, तो वो जो है ना आपकी गाड़ी आगे लगवा दें। जैसे हमारी दो गाड़ियाँ आगे लगवाई हैं, यहाँ पीछे बहुत रश था लेकिन हमारी उन्होंने गाड़ियाँ इसी वजह से आगे लगवाई हैं। ये बंदा है जो हमें हेल्प कर रहा है और ये बंदा जो है ना अभी इससे बात हुई है कि ये हमें इंटरव्यू भी उसका करने दे, जो मालिक है जो कि वो सामने वाइट कपड़ों में जा रहा है, तो बात करते हैं। अगर तो वो मान गया, उससे बातचीत हो गई तो हो जाता है। मेरी पहले नज़र नहीं पड़ी थी, अब मैं चाहता हूँ कि आपकी नज़र पड़े, ठीक है। ये देखें ऊपर, फारसी छोड़ दें आपको नहीं आती होगी, लेकिन नीचे देखें, फ्री फ्यूल टू फॉरेन टूरिस्ट कार डियर गेस्ट डियर ईरान, ये सारा आपने ना पढ़ लेना है। ये उन्होंने ना बड़ा अच्छा खासा बैनर भी सामने फ्रंट पर लगाया हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि अगर ओनर ना मौजूद है, हालाँकि ओनर मेक श्योर कर रहा है कि वो खुद सामने खड़ा है कि टूरिस्ट जो है उनको तेल जो है ना फ्री मिले, लेकिन अगर वो ना भी हो तो जब आप सामने आएंगे आपकी इस बोर्ड पे नज़र पड़े, ये देखिए ये सामने पंप है, तो आपको कोई बंदा चार्ज ना कर सके क्योंकि आप टूरिस्ट हैं, आपकी गाड़ियों की प्लेटों के ऊपर लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, टुडे वी आर विद अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड स्पेशल पर्सन, लेट्स फाइंड आउट हु ही इज़ एंड व्हाट ही डू। ही इज़ बेसिकली बेस्ड इन ईरान, द सिटी ऑफ ज़ाहिदान। Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Okay, yeah, so we already also have our translator, which is Hamid bhai. So Hamid bhai, can you please ask him what is his name? What's your name? Your name kya hai? My name is Isai Shahbakhsh. Isai Shahbakhsh. Thank you very much. And is he owner of this petrol pump? Yes, he is owner of this petrol station. His name is Isai Shahbakhsh. This petrol station is famous to Shabash, Amu Shabash petrol station, which is in Zahidan. Achha, Amu Shabash is her name? Yeah, yeah. So this petrol pump name is Amu Shabash. Okay, why he's giving free petrol to the tourists? Because what's the idea behind it? Because he's kind of welcoming to tourists to this province, to this city, Sistan, Baluchistan. So he want to promote tourists in Iran? Yes, of course, yes. Okay, that's, he's a very kind-hearted person, surely. And one more question. How many liter he can give it to any person, any tourist? Sure. Is there any limit? Or just full tank? Chicken liter 20 liter machine. A tourist. A Parsi sohbat mikunam tar ortaba angize chira dekar anjam edim chira baraye farje etram bolu. Hadafima namayish mehman nawazi va ittihad irani ast. Irani dar har shay azim. کشور یا جهان باشند اون مهمان نوازی و حسنیتی که دارم میکنم به جهانیان نشون میدم انشاءالله. و
توریست هایی که تو کشور ما میان در واقع ما چون مرد هستیم میخوام پذیرایی ازشون داشته باشیم و خدمتی به You explain about the hospitality of Iranian. You want to show you this honesty, hospitality, like in Urdu language you say, Mehman Nawazi also, like Mehman Nawazi and hospitality I'm saying. We show to Iranian culture, or Iranian culture, especially Balochistan. Yeah, perfect. Culture. We want to show the all at earth. Perfect. Come okay. And see from close everything. Good. And is there any limit for the petrol, or they can fill up even if it's an empty tank? Full tank. Even it's a 60-70 liters. Yeah, that's fine. Thank you very much, brother. And he's our brother, Amir Bhai. Inshallah, I will take his interview as well. So I can show you, this is his office. And mashallah, well beautiful and well organized office. He's giving free petrol and free diesel to all tourists. Doesn't matter what culture they are and which country they are coming from. So thank you very much, guys. I'm sure you will like it. I will put his number down and the address and location of this petrol pump. Please, if you like this video, please do comment below. Thank you very much, brother. अच्छा जी, मैंने सोचा ये साइड से आपको पंप का व्यू दिखा दूं। ये देखिए, ये पंप है जी। और जनाब ये क्या है जनाब, ये वाली चीज अगर किसी को समझ आ रही हो तो वो मुझे बताए प्लीज़ कि ये क्या है। परेशानी ये है जनाब, हमारी 9-10 दिनों की कहानी, मर्ज़े पाकिस्तान, पाकिस्तान बॉर्डर, और हम हैं इस वक्त बॉर्डर एरिया में और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इस गाड़ी में हमीद भाई के साथ। ये देखें माउंटेन, ये इलाका है जहाँ पे इलीगल ट्रेड वगैरह भी सारा कुछ होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी बॉर्डर के बिल्कुल पास पहुँच गए हैं जनाब, और यही है हमारी अपडेट। पानी लेट हो गए हो जी। अस्सलाम वालेकुम मुसाफिरों, मुसाफिरों कैसे हैं? मैं हूं आपका अपना तनहा मुसाफिर, और मुझे यकीन है आप लोग मुझे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। तो मेरे पास इस वक्त जो है ना, बहुत स्पेशल एक पर्सन बैठे हैं, इंतहाई प्यार करने वाले हैं, हमीद इनका नाम है। ये ईरान में जाहिदान सिटी में रहते हैं, और जो हमारा बॉर्डर है मीर जावा, ये वहाँ पे इनका ऑफिस भी है। आप लोगों में से कोई बंदा भी जब भी यूके से या दुनिया के किसी मुल्क से भी पाकिस्तान बाई रोड अगर आ रहा है ना, तो आपको हमीद भाई की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो इनसे बातें करते हैं दो चार, क्योंकि हम लोग अभी बॉर्डर की तरफ ही हैं, तो मैं चाहता हूँ वहाँ पहुँचने से पहले पहले हम लोगों ने अपनी बातें फिनिश करनी है। तो अस्सलाम वालेकुम हमीद भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, ठीक ठाक खैरियत भाई?